नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज और उसका जो अध्याय है 12वां अध्याय का नाम है प्रेमचंद और उनके द्वारा रचित जो रचना है ईदगाह, उसका समावेश इसमें किया गया है, तो उसी का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रेमचंद का जो जन्म है सन 1880 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1936 में हुई थी। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। अब ये मुंशी प्रेमचंद इनका मूल नाम नहीं था, बल्कि इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। अब लेखन कार्य यानी कि लिखना प्रारंभ कर दिया, कहानी उपन्यास वगैरह ना वो लिखने प्रारंभ कर दिए इन्होंने। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। अब देखिए, उर्दू में ये लिखते थे नवाब राय के नाम से और इनका जो मूल नाम वो धनपत राय था और बाद में इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। अब एक प्रश्न बनता है कि उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है, तो वो है मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। अब प्रेमचंद ने अपने साहित्य के अंदर जो किसान हैं, दलित हैं, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग अपने कह सकते हैं, जो शोषित वर्ग है, उसी की वेदना और जो वर्ण व्यवस्था की कुरीतियाँ थी उसका मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। अब इन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से जो ओतप्रोत हैं अनेक उपन्यास कहानियाँ इनकी रचना की है। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं, यानी कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं इनकी जो रचनाएं हैं। कथा संगठन के दृष्टि से देखें या चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें या कथोपकथन यानी कि जो उस संदर्भ में कहा गया है, उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट हैं। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। अब 1908 में जब ये प्रकाशित हुआ है तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो सोजे वतन इनका जो है पहला कहानी संग्रह था, 1908 में प्रकाशित हुआ। ये सोजे वतन यानी देश का दर्द, देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। अब अपने जब इसमें पढ़ा है कि ये पहले उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से और इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था और बाद में ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। अब क्यों लिखने लगे मुंशी प्रेमचंद के नाम से, क्योंकि सोजे वतन नाम से जो इन्होंने कहानी संग्रह लिखा था 1908 में जो प्रकाशित हुआ था, तो उसे अंग्रेजी सरकार द्वारा उस पर रोक लगा दी गई और भविष्य में उस लेखक को भी न लिखने की चेतावनी दी गई, तो इसके कारण से ये नाम बदल कर लिखने लगे। अब इनकी जो द्वारा रची गई रचनाएं हैं, कृतियां जो हैं इनकी, कहानी संग्रह हैं, वह है मानसरोवर, 8 भागों में प्रकाशित है ये। और इनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास हैं वो है निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। और इनके जो नाटक लिखे गए हैं वो करबला, संग्राम। और इनके द्वारा जो पत्रिकाएं जो हैं, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, ये इनके द्वारा जो लिखी पत्रिकाएं हैं जिनमें इन्होंने काम किया है। पाठ परिचय यानी कि जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है इनके द्वारा जो रचित रचना है, जो पाठ है वो है ईदगाह। अब ईदगाह जो है इसमें ईद का वर्णन किया गया है। ईद के समय गाँव में किस प्रकार का माहौल रहता है और किस प्रकार से एक छोटा जो बालक है हामिद नाम का, तो उसकी बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं उनसे बढ़कर वह एक सयाने यानी कि वृद्ध के समान व्यवहार कर रहा है, तो उसी का चित्रण इसमें सहज भाव से किया है। तो चलिए एक बार पाठ परिचय देखते हैं। ईदगाह है, मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। अब ये बाल मनोविज्ञान यानी कि बालक का मन है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से सोचता है, तो उन बातों को इसमें चरितार्थ किया गया है।
इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें ईद जैसा जो महत्वपूर्ण त्यौहार है उसको आधार बना के ग्रामीण जो मुस्लिम जीवन है उसका सुंदर चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब भाव उम्र से पूर्व बच्चे में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। अब देखिए, अभाव जब होता है ना तो उम्र से पूर्व ही, यानी कि छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, वो भी बड़े समझदार हो जाते हैं। और बड़ों जैसी समझदारी कैसे पैदा होती है, तो यह इस कहानी में हामिद चरित्र के माध्यम से साफ जाहिर होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। अब देखिए, छोटा सा बालक है तो उसके मन में भी आता होगा वह भी खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खरीदे, क्योंकि मेले में गया है, तो ये स्वाभाविक क्रिया है बाल मन की कि वो हर चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं और हर किसी चीज़ को वह पा लेना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो हामिद हैं तो वह अपनी इच्छाओं पर संयमित जो है हो जाता है, अपनी इच्छाओं पर संयम रखने में विजयी होते हैं। साथ ही रुस्तम ए हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। अब जो हामिद के द्वारा एक चिमटा, लोहे का चिमटा है, वो खरीदा जाता है, तो उसके माध्यम से जो प्रेमचंद है उन्होंने श्रम के सौंदर्य, यानी कि परिश्रम का जो सौंदर्य है और उसका जो महत्व वो उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। अब चित्रात्मक भाषा कैसी, अब भाषा के माध्यम से हमारे सामने लेखक ने चित्र को उकेर दिया है और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम स्वयं जो दृश्य इसमें प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने वो घटित हो रहे हैं, तो वो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग इसमें लेखक के द्वारा किया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपने ईदगाह, क्योंकि उससे पहले ईदगाह पढ़ने से पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है कि इसका मूल भाव क्या है, जो उद्देश्य क्या है, लेखक इसमें हमें क्या बताना चाहते हैं, तो वो पढ़ा था हमने। लेकिन अब जो कहानी है इसमें ईदगाह, जो निबंध इसमें कह सकते हैं अपने छोटा सा, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अब रमज़ान का महीना है और उसमें 30 रोज़ों के बाद, 30 रोज़े पूरे जब होते हैं ना तो उसके बाद में ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। तो देखिए, प्रातःकाल का जो वर्णन इसमें लेखक कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे सामने ही यह सारा दृश्य उभर के आ रहा है। जैसे कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, प्रभात मतलब सुबह का समय है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, यानी कि चहल पहल बनी हुई है खेतों में भी, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, क्योंकि आज त्यौहार है ना, इस कारण से हर कोई जो चीज़ है वो अत्यंत ही आनंददायक लग रही है हर किसी को। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अब देखो, सूर्य इसमें कभी भी शीतल नहीं होता, ठंडा नहीं होता, बल्कि वह उसमें उष्णता तो रहती है, लेकिन त्यौहार के संदर्भ में इसमें लेखक कह रहे हैं कि आज का जो सूर्य है वो देखो कितना प्यारा है, जो कि हमेशा ही तपिश भरा रहता है, आज वह सुंदर लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो भी ईद की बधाई दे रहा है सभी को। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कड़े मतलब टाइट हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, सानी पानी मतलब कि उनको जो हरा चारा ना वो दे दिया जाए, पहले ही सुबह के समय पानी वगैरह पिला दिया जाए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। अब ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो बालक होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कोई भी त्यौहार अगर आता है या कुछ भी ऐसा उत्सव होता है तो बच्चे जो हैं अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अब रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। अब देखिए, बाल मन की क्या प्रतिक्रिया रहती है कि रोज़े जो हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। अब लेखक भी इसमें कहते हैं कि रोज़े होंगे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे,
लेकिन इनके लिए तो ईद है, त्यौहार है कि ये रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, अब क्योंकि बच्चों में उत्सुकता रहती है, कोई भी जो काम है ना तो उनके अंदर ज़्यादा उतावलापन रहता है बच्चों में कि क्यों ना ये जल्दी से हो जाए। तो उसी प्रकार से ईद का नाम तो रट रहे थे ये काफ़ी समय से, अब ईद आ भी गई है तो सभी को जल्दी पड़ी है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं सभी, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, प्रयोजन मतलब इन्होंने उनसे क्या करना है, उनसे कोई सरोकार नहीं इनका कि घर गृहस्थी की क्या चिंताएं हैं। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं इनकी बला से, ये तो सेवैयां खाएंगे। अब घर की स्थिति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि ईद के समय सेवैयां वगैरह बनाई जाती हैं, तो घर में दूध है या दूध है या नहीं है, शक्कर है या नहीं है, तो इनको से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, बल्कि इनको तो सेवैयां खानी हैं। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रही हैं, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। अब देखिए किस प्रकार से एक साहूकार जो है, अब इसमें कायम अली है ना जो चौधरी है, तो वो एक साहूकार है जो हर किसी को गांव में पैसा उधार दे रहा है। तो अब इसमें लेखक कहता है कि जो अब्बाजान है क्यों बदहवास होकर चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रही हैं, और क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें। अब चौधरी ने अगर पैसे नहीं दिए तो सारी जो ईद है उसकी खुशियां जो मुहर्रम में बदल जाएंगी, मातम में बदल जाएंगी, उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब ये जो है ना बताया गया कि अपनी जेबों में तो कुबेर का धन, अब छोटे बालक के जेब में पैसे रहते हैं तो बार बार वो उनको गिनता रहता है और वह सोचता है कि सबसे ज़्यादा धन उसी के पास में है, पैसे उसी के पास में है, और बार बार अपनी जेब में से वो खजाना निकालते हैं और गिनते हैं और खुश होते हैं, फिर वापस रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं, यानी कि महमूद के पास में 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास में 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। अब देखिए जो मुख्य पात्र है इसमें हामिद, अब उसकी चर्चा हो रही है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब देखिए किस प्रकार से जो कहानी का मुख्य पात्र है हामिद, उसकी जो स्थिति है अत्यंत ही दीनहीन है, उसकी माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और वह भी दुबला पतला सा है, गरीब है बिल्कुल ही। अब किसी को पता न चला क्या बीमारी है, यानी कि उसकी माँ जो है वो भी पीली होती होती एक दिन मर गई और उसके पिता जो है हिज्जे की भेंट चढ़ गए थे, अब किसी को पता नहीं चला कि क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल ही में सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई, यानी कि अत्यंत ही पीड़ादायक स्थिति रही होगी कि वह अपनी पीड़ा को किससे बताई, और वह दिल ही दिल में सहती रही और एक दिन जो है इस संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। अब देखिए 4-5 साल का बच्चा है तो वह अपनी बूढ़ी दादी के पास में रह रहा है, उसकी गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है जितना कि अपने माता पिता के पास में प्रसन्न था, अब्बा और अम्मी के पास में। तो इसकी जो दादी है उसका नाम है अमीना, उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत से थैले लेकर आएंगे। अब देखिए किस प्रकार से इसकी बूढ़ी दादी ने इसको समझाया है कि उसके जो अब्बाजान है ना वो रुपए कमाने के लिए गए हुए हैं और बहुत सारी थैलियाँ रुपयों से भर के लेके आएंगे, और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के पास के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। अब देखिए कितनी विकट परिस्थिति है कि उसके माता पिता नहीं हैं, अब्बा और अम्मी नहीं हैं, लेकिन दादी ने किस प्रकार से उसको संभाला है, कहा है कि तुम्हारे अब्बा जो रुपए कमाने गए हुए हैं बहुत सारी थैलियाँ लेके आएंगे, और अम्मी जान जो अल्लाह मियाँ के घर गई हुई हैं और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हुई हैं और लेके आएंगी वो। और हामिद को भी ऐसी आशा है कि उसके जो अब्बा हैं और अम्मी जो हैं उसके लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं। अब देखिए एक आशा जो है
वह सबसे बड़ी होती है, फिर चाहे बच्चों की आशा है। अब बड़े भी अगर आशा करते हैं तो उनके सामने भी हर एक चीज़ जो है सुंदर दिखाई देती है, और बच्चों की आशा तो अकल्पनीय है, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। और जो बच्चे हैं कल्पना करते हैं तो राई को भी, छोटे से जो छोटी चीज़ है उसको भी पर्वत बना देते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब देखिए कितनी दीनहीन स्थिति है, हामिद के पाँव में जूते तक नहीं हैं और सिर पर एक पुरानी धुरानी यानी कि फटी पुरानी सी जो टोपी पहन रखी है और उसका गोटा भी काला पड़ गया, इनकी धुली हुई भी नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। अब देखिए उसकी कल्पना कैसी है कि उसके अब्बाजान आएंगे और वो थैलियाँ लेकर आएंगे पैसों की भरी हुई, और उसकी अम्मीजान जो नियामतें मतलब उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है ना अल्लाह मियाँ के घर पर, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। तो हामिद सोच रहे हैं कि वो दिल के जो अरमान है ना, जो भी यानी कि उसके मन में जो भी आ रहा है तो वो अपने अरमान निकालेगा, उनको पूरा करेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब हागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अब ये तो था पहले हमने जो पढ़ा है हामिद की जो कल्पनाएं हैं हामिद के बारे में, लेकिन जो अमीना है जो उसकी दादी है हामिद की, वो अभागिन यानी कि भाग्यशाली नहीं है, अपने भाग्य पर कोस रही है अपने आप को और कोठरी में बैठी हुई रो रही है। अब क्यों रो रही है इसका कारण देखिए आगे क्या है, अत्यंत ही मर्मस्पर्शी कारण है इसका भी, हृदय को स्पर्श कर देने वाला है, हृदय को अंदर तक झकझोर देने वाला है ये। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, अब देखिए कितनी विकट परिस्थिति आ गई है। अब त्यौहार भी है और उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है अन्न का। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। अब आबिद कौन है, आबिद जो है वो अमीना का पुत्र अर्थात हामिद का पिता है ये आबिद। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। देखिए अगर किसी के पास में धन संपत्ति नहीं है तो उसके लिए जो हर त्यौहार है वो अत्यंत ही निकृष्ट लगता है, हर प्रकार से पीड़ा देने वाला लगता है। तो उसी प्रकार से यह जो ईद अब आ गई ना तो वह भी उनको पीड़ा दे रही है अमीना को। इस घर में उसका काम नहीं लेकिन हामिद, अब देखिए वो मन में सोच रही है कि घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है लेकिन हामिद क्या सोच रहा होगा, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। अब देखिए छोटा बालक है तो उसको क्या इससे है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके लिए तो वो त्यौहार है ईद जो है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अब देखिए इसमें लेखक कहता है कि विपत्ति चाहे अपना सारा दल बल लेकर आ जाए लेकिन हामिद की जो आनंद भरी चितवन है, चितवन मतलब दृष्टि जो है, उसको विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अब देखिए हामिद भी बच्चों के साथ में तैयार है ईदगाह जाने के लिए, वो अपनी दादी से कहता है कि अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अब देखिए समझा रहा है अपनी दादी को, 4-5 साल का एक छोटा सा बालक जो है वो कहता है कि तुम डरना मत बिल्कुल भी। अब उसके साथ में जाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसके ना ही तो अम्मी है ना अब्बा है ना, ना पिता है ना माँ है, तो बूढ़ी दादी है वो कैसे जाएगी साथ में इतनी दूर पैदल। लेकिन वो समझाता है कि अम्मा तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, कचोट मतलब अंदर ही अंदर जो है वो दुखी हो रही है। गाँव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं और देखिए ऐसी जो स्थिति है ना कई बार आ जाती है, तो उसी भाव को इसमें बताया कि गांव के जो बच्चे हैं वो अपने बाप के साथ जा रहे हैं, अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, देखिए उसके पिता भी नहीं है माता भी नहीं है हामिद की, तो अमीना के अलावा कोई नहीं है उसका, उसे कैसे अकेले मिले जाने दें। अब देखिए 4-5 साल का बच्चा है ये, तो खो जाए और हो जाए तो ऐसी चिंताएँ तो बनी रहती हैं अपने भी, अगर बच्चा है छोटा घर से अकेला जा रहा है तो अपने मन के अंदर भी चिंताएँ बनी रहती हैं। तो उसी प्रकार से हामिद की जो दादी है अमीना उसके मन में भी ऐसी चिंताएं बनी हुई हैं, तो उसी उन्हीं चिंताओं को इसमें बताने का प्रयास किया गया कि उस भीड़भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं अमीना उसे यों न जाने देगी, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। अब देखिए छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, वो 3 कोस 3 किलोमीटर के लगभग जो है वो कैसे चलेगा। अब उसके पैरों में जूते तक नहीं हैं, तो सोच रही है उसकी दादी के पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं।
वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। अब दादी सोच रही है कि मैं साथ में चलती हूँ कि उसको थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं गोद में उठा लूँगी, लेकिन वो फिर सोच रही है कि सवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। अब देखिए कैसे उनकी स्थिति है। तो उसकी दादी सोच रही है, अमीना सोच रही है कि अगर पैसे होते तो चटपट वो सारी सामग्री इकट्ठा कर लेती और हाथों हाथ वो सेवैयाँ वगैरह बना लेती, लेकिन यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते रहेंगी। घंटों क्यों? अब क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं हैं, अब किसी से वो उधार लेगी कुछ भी करेगी तो उस प्रकार से तो उसे कोई देगा नहीं देगा, तो इस प्रकार से जमा करने में घंटों लग जाएंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। अब मांगे ही का मतलब मांग के तो वो अपनी जो सामग्री है वो उसको इकट्ठा करेगी। उस दिन फैमिन के कपड़े सीने थे, फहीमन 8 आने पैसे मिले थे, उस 8 को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। अब देखिए किस प्रकार से एक गरीब परिवार की स्थिति है कि उसकी दादी बूढ़ी है और बूढ़ी दादी ने फहीमन के कपड़े सिले हैं और 8 आने उसको मिले हैं, और 8 को ईमान की तरह बचाती चली आई थी। ईमान मतलब अपना जो धर्म कह सकते हैं, अपनी इज्जत कह सकते हैं, तो ईद के लिए ही। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। अब देखिए जिससे ये दूध लेते थे ना, वो ग्वालिन जो है वो सिर पर सवार हो गई। सिर पर सवार होने का मतलब कि दूध लिया था तो वो पैसे तो मांगने आएगी, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बचे, पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह की ही बेड़ा पार लगाई। अब देखिए किस प्रकार से अमीना सोच रही है कि अब हामिद के लिए सिर्फ 3 पैसे हैं, हामिद को वो 3 पैसे दे चुकी हैं और अमीना के पास में 5 पैसे बचे हैं। यही तो बिसात हैं। बिसात मतलब कि इस समय का जो कह सकते हैं मंजर कह सकते हैं अपने, और ईद का त्यौहार अल्लाह की ही बेड़ा पार लगाई। अब अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए मतलब अल्लाह जो है वह ही इस मुसीबत से निकालने वाला है। सभी को सवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता, किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराई। अब देखिए ईद का त्यौहार है तो हर कोई सेवैयाँ खाने के लिए आएगा, तो थोड़ी तो कोई खाएगा नहीं, और वो किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराई, वो अपने मन से ही सवाल कर रही है, ये प्रश्न कर रही है। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रही, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अब देखिए एक आशा जो है अभी भी अमीना के मन में बनी हुई है कि ये जो दिन है ना दुख भरे वो कट जाएंगे, बस उसका जो बच्चा है यानी कि जो हामिद है वो सलामत रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ये तो था अमीना की जो मन की स्थिति का वर्णन। अब गांव से मेला चला। अब देखिए मेले के लिए लोग जा रहे हैं गांव से, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, अब अकेला जा रहा है वो साथ में। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। अब बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, आपने भी देखा होगा अगर आपके साथ में बच्चे चल रहे हैं ना, तो वे दौड़ के आगे भागेंगे, फिर बाद में आगे जाके किसी स्थान पर रुककर आपका इंतज़ार भी करेंगे। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? अब उनको अत्यंत जो है व्याकुलता हो रही है कि वो शीघ्रता से ईदगाह पहुँच जाएँ। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गई हैं, पर मतलब पंख। अब हामिद तो सोच रहा है कि उड़कर ही वो चला जाए, शीघ्रता से वहाँ ईदगाह पहुँच जाए। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। अब शहर का दामन मतलब शहर का जो बाहरी किनारा है वो आ गया है, अब वो प्रवेश कर रहे हैं शहर में। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं, कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। अब देखिए शहर का दृश्य कैसा है कि अमीरों के जो बगीचे ना वो सड़क के दोनों ओर लगे हुए हैं, पेड़ों में आम लीचियाँ लगी हुई हैं, और बाल स्वभाव के अनुसार जो लड़के हैं वो कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाते हैं और माली अंदर से गालियाँ देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से 1 फरलांग पर हैं यानी कि थोड़ी दूरी पे हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? अब देखिए एक दूसरे से सवाल करें ये बालक जो हैं।
सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मुंछें हैं। अब देखिए एक दूसरे से सवाल करें और उत्तर भी वो दे रहे हैं एक दूसरे का कि कॉलेज में कौन पढ़ते होंगे, कितने लड़के पढ़ते होंगे। तो कहते हैं कि सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं और उनके बड़ी बड़ी मुंछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। अब देखिए बच्चों के मन में स्वाभाविक प्रक्रिया ये रहती है, विचार आता है कि कितना पढ़ेंगे, ये बूढ़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, मुंछें आ गई इनकी, तो कितना पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ के। ये हामिद के मदरसे में तो मैं दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कोड़ी के, तीन कोड़ी के मतलब उनको कुछ नहीं आता है, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले, इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। अब देखिए हामिद की कल्पना देखिए कैसी है, वो कह रहा है कि उसके मदरसे के अंदर है ना दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं और उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराते रहते हैं, और इस जगह भी, इस जगह मतलब कॉलेज में भी ऐसे ही लड़के होंगे और क्या, क्लब घर में जादू होता है। अब क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। अब देखिए बाल कल्पना कैसी ही हो रही है कि क्लब घर जो है उसको जादू के समान बता दिया और ऐसे वो कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे मुर्दों की जो खोपड़ियाँ वो दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं, सच। अब मेमे मतलब कि जो अमीर लोग हैं ना उनकी पत्नियों को कहा गया है, या जो वहाँ की औरतें हैं उनको मेमे कहा गया है, सच। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। अब देखिए एक दूसरे से बातचीत करें कि अगर हमारी अम्मा को बैट दे देना तो वो पकड़ भी नहीं पाएगी और घुमाते ही वो बल्ले के साथ में लुढ़क जाएगी। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। और देखिए बालक आपस में बातचीत कर रहे हैं। मोहसिन बोला अम्मी मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे, सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, पांच घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है, किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए। देखिए कैसे वो तुलना कर रही हैं ग्रामीण जो औरतें हैं और शहरी औरतों की। अब मोहसिन कहते हैं कि अम्मा जो है वो, मेरी अम्मी जो है वो मनो यानी कि 40-40 किलो आटा वो पीस देती है, गेहूँ पीस देती है, आटा बना देती है उसका, और ज़रा से बैट पकड़ लेगी तो क्या हाथ कांपने लगेंगे, वो प्रश्न पूछ रहे हैं महमूद से। वो कहते हैं कि सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है वो कुएँ में से, और पाँच घड़े तो मेरी भैंस ही पी जाती है, और अगर किसी मैम को अगर एक घड़ा पानी भरने के लिए कह दिया जाए तो आँखों तले अंधेरा आ जाएगा, आँखों तले अंधेरा ना मतलब चक्कर आ जाएंगे उसको। महमूद कह रहे हैं लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। अब देखिए अब महमूद और मोहसिन के बीच में बातचीत हो रही है। महमूद फिर कहता है कि लेकिन दौड़ती तो नहीं है ना वो तेरी अम्मी जो है, ना ही उछल कूद कर सकती है। तो मोहसिन कहता है हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गायें खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका, सच। वो कहते हैं कि हाँ दौड़ क्यों नहीं सकती वो, एक दिन मेरी गायें खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा घुस गई थी जब, तो अम्मा इतनी तेज़ी से दौड़ी कि मैं उसको पकड़ भी नहीं पाया। वो कहते सच, वो कहते हाँ। आगे चलें, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। अब मनो जो है ना ये तोल के लिए आ रहा है, मन मन कहते हैं 40 किलो को, 40 यानी कि काफ़ी होंगी वज़न में, यह अंदाज़ा लगा रहे हैं इसमें। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। अब देखिए बाल कल्पना कैसे हो रही है, हामिद को यकीन नहीं आया ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। अब हामिद के पास पैसे नहीं है ना, वो उत्सुकतावश पूछ रहे हैं उनसे मोहसिन और उनसे महमूद से, तो कहते हैं कि इतने रुपए उनके पास कहाँ से आते होंगे जिन्नात के पास में। मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, किस फेर में मतलब किस ख्याल में खोए हुए हैं आप, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, अब देखिए हामिद और मोहसिन के बीच बातचीत हो रही है। जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे,
मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। फिर हामिद फिर प्रश्न पूछ रहा है उससे, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। अब देखिए मोहसिन और छोटे बालकों की स्थिति रहती है ना, कि वो चाहते हैं कि उनके पास में भी ऐसा कोई जिन हो जिससे कि वह जिन को वश में कर सके और रुपए जो हैं और हर प्रकार की जो वस्तु उसको प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आपस में बातचीत हो रही है जब ये ईदगाह जा रहे हैं। तो ये था हमारा ईदगाह अध्याय जिसका आज हमने अध्ययन किया है भाग एक का। बाकी जो भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे कल, और आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये ध्यान से अगर आप पढ़ें तो ये जो कहानी है ना काफ़ी अच्छी है, जिसमें एक छोटे बालक की जो हर स्थिति है, मन की जो स्थिति है, वो किस प्रकार से अपने मन को अपने वश में कर लेता है और अपनी बूढ़ी दादी के लिए वह सामान खरीद के लेके आता है। तो आगे पढ़ेंगे कल हम। तो आज के लिए बस इतना ही।